हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की फिफ्थ यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है जनरल एनेस्थेटिक्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड उसके हर एक ड्रग के स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो इसके अंदर से हम लोग नार्कोटिक एनाल्जेसिक या फिर जो अपीट एनाल्जेसिक है उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड उसके अंदर जो क्लास आती है मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स उसका जो हर एक एक ड्रग का स्ट्रक्चर एंड यूजेस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नार्कोटिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं उसके बारे में, इसके अंदर जो जो ड्रग्स आते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस, एंड दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स, ठीक है, SAR ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स। देन इस वीडियो लेक्चर के बाद में एक लास्ट जो है यूनिट फिफ्थ का लेक्चर हमारे पास एक और बचेगा जिसके अंदर हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स जो हैं उनके बारे में या फिर ये कहें नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो हैं इनके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन, देन इसके अंदर जितने भी ड्रग्स हमारे सिलेबस के अंदर दी गई है उनके स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट है इसका कंप्लीट सिलेबस जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन पेपर विद आंसर की भी एक वीडियो है, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक वीडियो जो है वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का जो है अगर हम कहें तो कंप्लीट जितना भी हमें फोर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग स्टडी करना था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नार्कोटिक एंटागोनिस्ट जो है वो होते क्या है। तो ये ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अफीड रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, ये नार्कोटिक्स जो है उनके एक्शन को भी ब्लॉक कर देंगे एंड उनके इफेक्ट को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो जैसे नार्कोटिक एगोनिस्ट जो है वो अफीड रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, तो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट जो है ये अफीड रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे एंड जो नार्कोटिक्स होंगे उनके एक्शंस को भी ब्लॉक कर देंगे एंड उनके इफेक्ट को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब जो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट होते हैं एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं जहाँ पर ओवरडोज हो जाता है नार्कोटिक एगोनिस्ट का वहाँ पर, क्योंकि जब नार्कोटिक जो एगोनिस्ट है उनका ओवरडोज होगा तो उसे ट्रीट करने के लिए या फिर ये कहें उसे ठीक करने के लिए नार्कोटिक एंटागोनिस्ट जो है यही काम आएंगे, ठीक है। नो इस क्लास के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर तीन ड्रग्स दी गई हैं, उन ड्रग्स के स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ड्रग आती है इस क्लास के अंदर नेलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, देन यहाँ पर 5-member रिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6-member रिंग है, यहाँ पर भी 6-member रिंग है, यहाँ पर इसे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देन यहाँ पर एक और रिंग है जिसके अंदर N है CH2, डबल बॉन्ड CH2, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोराइड है इसलिए यहाँ पर .HCl है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है कंप्लीट नेलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। नो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो अफीड एनाल्जेसिक्स होते हैं उनका ओवरडोज हो जाता है तो उसे रिवर्स करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन जो नार्कोटिक इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, मतलब नार्कोटिक ड्रग्स को लेने की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है उसे ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ इस क्लास के अंदर सेकेंड ड्रग आती है लेवेलॉर्फेन टार्ट्रेट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग है, 6-member रिंग है, देन यहाँ पर एक और रिंग है, ठीक है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर NCH2CH2, देन टार्ट्रेट जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है COOH, 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 and COOH, ठीक है। इस तरीके से ये जो है ये कंप्लीट लेवेलॉर्फेन टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो नार्कोटिक डिप्रेशन होता है नार्कोटिक ड्रग्स को लेने की वजह से उसका कंप्लीट या फिर पार्शियल रिवर्सल करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है अपीट ड्रग्स के द्वारा उसे ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। नाउ इस क्लास के अंदर थर्ड ड्रग आती है नेलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ, एक बेंजीन रिंग है, 5-member रिंग है जिसके अंदर एक जो है वो ऑक्सीजन है, देन 6-member रिंग है, 6-member रिंग है, यहाँ पर एक और रिंग है जिसके अंदर एक जो है वो नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NCH2CH डबल बॉन्ड CH2 एंड हाइड्रोक्लोराइड है इसलिए .HCl, ठीक है। इस तरीके से जो है नेलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, पहला यूज़ सेम उसी की तरह है जो अभी हमने पहले डिस्कस करा, इसे जो है नार्कोटिक डिप्रेशन जो नार्कोटिक ड्रग्स के द्वारा होता है उसका कंप्लीट या पार्शियल रिवर्सल करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है अफीड ड्रग्स के द्वारा उसे ठीक करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। देन इस ड्रग को एडजंक्टिव एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है जब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना होता है सेप्टिक शॉक की ट्रीटमेंट के अंदर।
सो जब सेप्टिक शॉक जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करी जाती है तो वहाँ पर एडजंक्टिव एजेंट के रूप में नैलोक्सॉन हाइड्रोक्लोराइड को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो था ये कंप्लीट नार्कोटिक एंटागोनिस्ट के बारे में था, उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे SAR ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स या फिर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स। सो जब हम किसी भी क्लास का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि उसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा। तो जो मॉर्फिन एनालॉग्स है उनका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। इसके अंदर एक बेंजीन रिंग होती है, एक 5-membered रिंग होती है, एक 6-membered रिंग होती है, एक 6-membered रिंग होती है, यहाँ पर एक और रिंग होती है। ठीक है, इसके साथ में OH जुड़ा होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर NCH3। ठीक है, देन इसको जो है सबसे पहली जो रिंग है इसे हम रिंग ए कह सकते हैं, इसे रिंग बी कह सकते हैं, इसे रिंग सी कह सकते हैं, इसे रिंग डी कह सकते हैं, इसे रिंग ई कह सकते हैं। नंबरिंग भी हमने यहाँ पर करी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग जो है वो भी हमने सारा का सारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसकी नंबरिंग करी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जनरल स्ट्रक्चर जो मॉर्फिन एनालॉग्स का वो देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस जो है स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ कहाँ हो सकते हैं जिससे कि एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो 3 and 6 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है जो 7-8 पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। देन जो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। देन जो फिनाइल रिंग है उसके ऊपर जो है मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 जगह पर जो है मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस हो सकते हैं जिससे एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट आता है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3-6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो लगे हुए हैं 3 and 6 पोजीशन पर उसके अंदर चेंजेस करने से या उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने से एक्टिविटी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले जो 3rd पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसकी जगह पर मिथॉक्सी ग्रुप मतलब OCH3 ग्रुप को लगाया जाता है तो उससे हमें जो ड्रग मिलती है वो होती है कोडीन। ठीक है, इससे क्या होता है जैसे अगर हम मॉर्फिन से कंपेयर करें कोडीन को, मतलब यहाँ पर OH लगा हुआ है तो ड्रग हमारे पास मॉर्फिन है, बट जब यहाँ पर OCH3 आ जाएगा जो ड्रग जो बनेगी वो आ जाएगी कोडीन। तो जब कोडीन बनेगी मतलब OH की जगह OCH3 ग्रुप जुड़ेगा तो उससे जो एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एंड अगर मिथॉक्सी से ज़्यादा लार्ज ग्रुप को लगाएंगे तो उससे जो एक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा रिड्यूस होगी। ठीक है, दूसरा आता है कि अगर हम 6 पोजीशन वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मिथॉक्सी ग्रुप मतलब OCH3 ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो उससे जो हमारे पास ड्रग आती है वो आती है हाइड्रोकोडीन एंड उसके अंदर क्या होता है एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है अगर इसकी जगह OH की जगह OCH3 ग्रुप लगाएंगे तो हमें कोडीन ड्रग मिलती है जिसकी एक्टिविटी जो है वो कम होती है। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह OCH3 ग्रुप लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोकोडीन ड्रग हमें मिलेगी जिसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। नाउ अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 6 पोजीशन पर प्रेजेंट है इसका ऑक्सीडेशन करके अगर यहाँ पर कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे एक्टिविटी रिड्यूस होगी अगर जो 7-8 डबल बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर इस बॉन्ड को यहाँ से हटा देंगे मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो अगर यहाँ पर कीटोन बनेगा तो उससे जो है वो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर क्या है ये OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन करके अगर हम कीटोन यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो अगर उस टाइम यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होगी और अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी मतलब बढ़ेगी। ठीक है, देन इसके बाद में जो 6 पोजीशन पर OH ग्रुप है इसको कम्प्लीटली यहाँ से हम हटा देंगे तो उससे क्या होगा एक्टिविटी इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर हम 3 and 6 दोनों पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसका एसिटाइलेशन कर देंगे तो उससे हमारे पास जो ड्रग कंप्लीट बनेगी वो आएगी 3,6-diacetyl मॉर्फिन जिसे हीरोइन भी कहा जाता है। अब जो ये हीरोइन ड्रग होती है ये मॉर्फिन से 2-3 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अब जो ये एक्टिविटी इंक्रीज हुई जब हमने 3 and 6 दोनों पोजीशन पर एसिटाइलेशन करा तो ये एक्टिविटी इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है जिससे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ड्रग का पेनिट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है एंड फास्ट हो जाता है। नाउ जो यहाँ पर ईथर लिंकेज प्रेजेंट है अगर इसे ओपन कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है एक्टिविटी रिड्यूस होती है। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशन एट द 7-8 डबल बॉन्ड। तो अगर 7-8 डबल बॉन्ड जो इसे सैचुरेट कर दिया जाता है या इसका रिडक्शन कर दिया जाता है मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड अगर बन जाता है तो उससे क्या होता है एक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज होती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है जैसा कि डाईहाइड्रोमॉर्फिन एंड डाईहाइड्रोकोडीन के अंदर होता है।
तो इस तरीके से 7-8 डबल बॉन्ड पर एक ही मॉडिफिकेशन है कि अगर हम इसे सैचुरेट कर देते तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज होती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ द नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट। तो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट जो है इसके ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है ये ऑप्टिमल सब्स्टिट्यूएंट है एगोनिस्ट एक्टिविटी के लिए, मतलब सबसे बेस्ट जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल ग्रुप ही है। अगर जो नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट होगा वो हाइड्रोजन होगा तो जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन एक टर्शरी अमीन अगर इस पोजीशन पर प्रेजेंट होती है तो वो क्या होती है, अच्छी होती है अफीड एक्टिविटी के लिए, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट वाले के अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर जो क्वार्टरनरी अमोनियम डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि NN डाइमिथाइल मॉर्फिन, अगर यहाँ पर ये चीज़ बनती है तो उसमें क्या होगा, कोई एनाल्जेसिक एक्टिविटी नहीं रहती है। तो मतलब क्वार्टरनरी अमोनियम डेरिवेटिव्स अगर यहाँ पर फॉर्म होते हैं तो उसकी कोई भी एनाल्जेसिक एक्टिविटी नहीं होती है। नाउ अगर जो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है वो बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप है, जैसे कि बल्कि एल्काइल ग्रुप हो गया, जैसे कि प्रोपाइल आइसोब्यूटाइल या फिर एलाइल या फिर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, तो जो कंपाउंड है वो एगोनिस्ट की जगह नार्कोटिक एंटागोनिस्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बल्कि मतलब बहुत बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे तो जो कंपाउंड है वो नार्कोटिक एगोनिस्ट की जगह एंटागोनिस्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ द फिनाइल रिंग, मतलब फिनाइल रिंग के ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो एक जो एरोमेटिक फिनाइल रिंग होती है वो ज़रूरी होती है एक्टिविटी के लिए। अगर जो फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके ऊपर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करा जाता है तो उससे एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर फिनाइल रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ऐड करा जाता है तो उससे एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली डिमिनिश हो जाती है, मतलब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये सारे पॉइंट्स, ये चार पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स क्या क्या किस तरीके से हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो था, ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स। यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में एक लास्ट वीडियो लेक्चर और बचेगा, वो हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस यूनिट के नोट्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल है, perfectpharmacy.in, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।